हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बनाऊंगी मूंग मसूर की दाल, जिसके लिए मैंने ले लिया था 1 कटोरी मूंग, आधी कटोरी मसूर की दाल, और इसको मैंने गर्म पानी में थोड़ा गुनगुना पानी में भिगो के रखा था, और इसका पानी मैंने निकाल लिया है। आप देख पा रहे हैं कि दाल कितनी अच्छी फूल चुकी है, जिससे ये बहुत जल्दी पक जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने सारे दाल कुकर में डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी 1/2 लीटर पानी। 1/2 लीटर पानी डालने के बाद थोड़ा सा और पानी डालूंगी, क्योंकि दाल फूलने के बाद ज़्यादा हो गई है, तो 1/2 गिलास और पानी डाल दूंगी मैं। इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच हल्दी डालूंगी, और कुकर को बंद करके गैस पर रख दूंगी। यहाँ पे मुझे लगाना बस 1 सीटी, क्योंकि दाल पहले से ही फूल चुकी है, तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे। तो 1 सीटी आने के बाद मैं बंद कर लूँगी गैस। यहाँ पे रख दिया मैंने तड़का लगाने के लिए कढ़ाई, जो कि मैं, आप देख पा रहे हैं कि प्याज टमाटर पहले से ही काट लिया था। तो यहाँ पे मैं डालूँगी 1 चम्मच जीरा, जीरा भुन गया तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी प्याज जो कि काट लिया था। तो प्याज भुनने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैं कूट लूँगी पहले से ही। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, जिसमें हरी मिर्ची भी मैंने 3-4 कूट लिया था। तो यहाँ पे मैं इसको मिला दूँगी अच्छी तरह। इसको भुनने के बाद, गोल्डन ब्राउन प्याज होने के बाद, मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। मसाले में मैं डालूँगी थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि हल्दी मैंने दाल में डाल रखा था, तो मैं थोड़ा ही हल्दी डालूंगी इसमें। यहाँ पे डाल दिया मैंने गरम मसाले, जिसमें धनिया और गरम मसाले सारे ऐड हैं। यहाँ पे मैं डाल लिया मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, और इनको मैं मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा भून लिया है। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी 1/2 गिलास पानी, जो कि हमारे मसाले जिसमें अच्छी तरह पक जाए। आप देख पा रहे हैं कि अब मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तो यहाँ पे मैं ढक दूंगी। तो अब मैंने यहाँ पे मसाले पका लिया मैंने, और यहाँ पे फिर मैं डाल दूंगी मसाला पकने के बाद टमाटर। टमाटर का जो कच्चापन है उसको मैं पका लूंगी अच्छी तरह, टमाटर अच्छी तरह पक जाएंगे। गैस को मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया है, तो आप देख पा रहे हैं कि टमाटर हमारा गल चुका है, इसमें पक गया है। यहाँ चम्मच के साथ इसको मैं मिला लूँगी अच्छी तरह, जो दिख रहे हैं उनको। हे गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें प्लीज़। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छी दाल हमारी बनके तैयार हो गई है। जो मैंने तड़का लगाया था वो दाल में डाल दिया, और कुकर की दाल मैंने कढ़ाई में रख दिया है। तो यहाँ पे एक मैं छोटा सा तड़का लगाऊंगी, जिसके लिए एक पैन में मैंने घी डाल दिया 1 चम्मच। यहाँ पे 2-3 मिर्च डाल दूंगी लाल। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग, हींग का तड़का बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया है, और इसको मैं दाल में डाल दूंगी। और यहाँ पे मैंने डाल दिया धनिया कटा हुआ थोड़ा। इसके बाद मैं चावल मैंने बना लिया था, सिंपल चावल ही बनाया है मैंने। आप देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा दाल चावल लग रहा है, तो खाने में कितना अच्छा टेस्ट आया।